दोस्तों, मैं हूं आपका गोपाल। हमारा किचन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिन हो गया मैंने अपना घर का स्टाइल बिरयानी भी नहीं खाया। चलो आज हम बनाते हैं बंगाली बिरयानी या कोलकाता स्टाइल का बिरयानी। तो बनाएंगे बिरयानी, आज हम भी खाएंगे और हमारा यहाँ रेस्टोरेंट पे बुफे लगता है, बुफे में भी डालेंगे इस खाना को और गेस्ट को भी खिलाएंगे। तो चलो चलते वीडियो के अंदर, आज का प्रिपरेशन देखते हैं कोलकाता स्टाइल मटन दम बिरयानी। दोस्तों बना रहे बंगाली बिरयानी। बंगाली बिरयानी बनाएंगे, आलू नहीं डालेंगे, होगा? बंगाली तो आलू पे मरता है, तो इसलिए आज हम आलू डाल के बनाएंगे कोलकाता स्टाइल गोश्त दम बिरयानी। तो ये देख रहे हैं, मैंने लिया है आलू, अच्छा सा पील कर लिया है और इसे अच्छा सा बड़ा बड़ा साइज का क्यूब्स करके काट लेते हैं। तो आपको धीरे धीरे देख रहे हैं, ऐसा बड़ा बड़ा साइज का आलू लेना है और इस आलू को अच्छा से साइज करके आपको काट लेना है। अगर आपका पास मीडियम साइज का आलू है तो आप लोग गोटा आलू यूज कर सकते हैं। तो हमारा पास ये बड़ा आलू है, हम बड़ा आलू को अच्छा से साइज करके काट लेंगे। ये देख रहे हैं मैंने कैसा साइज करके आलू को काट लिया है। आपको सेम ऐसा साइज में सारे आलू को काट लेना है। और कटिंग करके इसे आपको क्या करना है, आप लोग बॉईल भी कर सकते हैं या डीप फ्राई कर सकते हैं, आपका चॉइस, आपको कैसा करना है। तो सबसे पहले हम इस आलू को डीप फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस आलू को नमक और हल्दी लगा के इसे ऑयल पे हाफ जैसा डीप फ्राई कर लेना है। आपको स्लो फ्लेम पे करना है, अगर आपका फ्लेम ज़्यादा हो तो क्या होगा, आपका पोटैटो अंदर से बॉयल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको स्लो फ्लेम पे पोटैटो को अच्छा से हाफ फ्राई जैसा फ्राई कर लेना है। तो दोस्तों अब हम इस पोटैटो देख रहे हैं मैंने कैसा फ्राई कर लिया है, आपको भी सेम ऐसा ही धीरे धीरे सारे पोटैटो को फ्राई कर लेना है। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बासमती राइस को अच्छा से सोक कर लेना है, भिगो लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं मैंने ले रहा हूँ 3 kg राइस का बासमती राइस, वो भी आपको अच्छा क्वालिटी का राइस लेना है। आपका राइस जितना अच्छा क्वालिटी होगा आपका बिरयानी उतना मस्त का बनेगा। तो देख रहे हैं मैंने ले लिया है 3 kg राइस। अब हम इस राइस को अच्छा से पानी डाल के 3 से 4 बार आपको वॉश करना है और उसके बाद पानी डाल के मिनिमम कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक आपको पानी में भिगो लेना है। और दोस्तों देख रहे हैं कोलकाता बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 5 kg मटन करी काट। और दोस्तों वन मोर थिंग्स, कोलकाता बिरयानी जब आप लोग बनाएंगे मटन का जो पीसेस हो वो थोड़ा बड़ा बड़ा साइज में आपको दुकान पे काट के लेके आना है, क्योंकि बिरयानी बना रहे हम कोलकाता स्टाइल का तो मटन का पीसेस वैसा ही होने का मिनिमम 300 ग्राम तक। तो देख रहे मैंने कितना बड़ा बड़ा साइज में अच्छा से मटन पीस कटिंग कर लिया है। तो मटन रेडी और मैंने चर्बी वाला थोड़ा लेग पार्ट बहुत सारे मिसा के इसमें लिया है 5 kg मटन। सबसे पहले हम इस मटन को बॉईल कर लेते हैं। कोलकाता बिरयानी बनाने के लिए मटन जो बॉईल करने का प्रोसेस अलग होता है, तो मटन कैसा बॉईल करेंगे वो मैंने पहले आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों बिरयानी के लिए सबसे पहले बैठा लेंगे लगन। चलो अब हम इसमें बॉईल करते हैं मटन। तो मटन बॉईल करने के लिए सबसे पहले हम ऐड कर लेंगे ऑयल। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिफाइन ऑयल ऐड कर लेना है। देख के हम इसमें ऑनियन को अच्छा सा ब्राउन करने वाले हैं, आपको उसी क्वांटिटी से ऑयल ऐड करना है। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है। आपका तेल गर्म हो जाए तो आपको क्या ऐड करना है, ऑल खड़ा गर्म मसाला। यहाँ पर देख रहे हैं मैंने जीरा, ब्लैक पेपर, इलायची, लौंग, पट्टा, बेलीफ, सिनेमन स्टिक, सारे ऑल खड़ा गर्म मसाला लिया है। इसे आपको तेल में ऐड करना है, आपको अच्छा से भूनना है। जब आपका गरम तेल में गरम मसाला भुना हो जाए तब आपको क्या ऐड करना है, ग्रीन चिल्ली और ऑनियन, आपको ये ऐड कर लेना है और इसे अच्छा से ब्राउन कर लेना है। आपका ऑनियन अच्छा से ब्राउन हो जाए तो आपको क्या ऐड करना है, आपको ऐड कर लेना है मटन। अब हम धीरे धीरे
इसमें अच्छा से मटन ऐड कर लेंगे। मटन ऐड कर लिया है और मटन का साथ में आपको ऐड कर लेना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो दोस्तों जिंजर गार्लिक पेस्ट का साथ मटन आपको भून लेना है 5 से 10 मिनट तक। आपका 5 से 10 मिनट बाद मटन आपका भुना हो जाए तो आपको क्या ऐड करना है, तब आपको ऐड कर लेना है इस पे नमक। आपको नमक थोड़ा देख के स्वादिष्ट अनुसार ऐड कर लेना है थोड़ा नमक, और साथ में ऐड कर लेंगे थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर, हल्दी पाउडर आपको आधा चम्मच जैसे ऐड कर लेना है, और साथ में ऐड कर लेंगे 2 वेराइटीज ऑफ चिल्ली, 1 स्पून जैसे आपको ऐड कर लेना है कश्मीरी चिल्ली कलर के लिए, और ऐड कर लेंगे 1 स्पून जैसा स्पाइसी चिल्ली। तो ये चिल्ली ऐड करके मसाला का साथ मटन को हमें 2 मिनट तक पका लेना है। मसाला का साथ मटन आपका भुना हो जाए तो आपको क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना है 1 बॉल दही। आपको दही ऐड करके दही का साथ इस मटन को पकाना है, और इसका साथ ऐड कर लेंगे पानी। आपको ऐड कर लेना है पानी, और इस मटन को आपको अच्छा से 80% तक बॉईल करके पका लेना है। इसे अच्छा सा लीड डाल के इस मटन को बॉईल कर लेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा यहाँ पर मटन बॉईल होने आ चुका है। आपको क्या ऐड करना है, केवड़ा वाटर आपको ऐड कर लेना है, थोड़ा सा केवड़ा वाटर। दोस्तों देख रहे हमारा मटन 70-80% तक बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर लेते हैं, और इससे फिल्टर करके झोल को अलग और मटन को अलग कर लेना है। और दोस्तों आपको क्या करना है, ये मटन देख रहे झोल से मटन को अलग कर लेना है। अब हम धीरे धीरे मटन को झोल से अलग कर लेंगे, और साथ में देख रहे मैंने मटन को अलग कर लिया है, अब हम इस झोल को अच्छा से फिल्टर कर लेंगे। तो दोस्तों देख रहे हमारा झोल रेडी, अब हम इस झोल को भी एक प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो ये मटन स्टॉक था, अब हम इस मटन स्टॉक में ऐड करते हैं मिल्क। आपको ऐड करना है मिल्क, और साथ में ऐड कर लेंगे थोड़ा सा बिरयानी मसाला पाउडर। आपको ऐड कर लेना है 1 स्पून बिरयानी मसाला पाउडर, और साथ में ऐड कर लेंगे सैफ्रन। आपको ऐड कर लेना है थोड़ा सा सैफ्रन, और ऐड करेंगे और थोड़ा सा केवड़ा वाटर। दोस्तों बना रहे कोलकाता बिरयानी, अगर ढक्कन खोलेंगे आप लोग 2 किलोमीटर तक खुशबू नहीं जाएगा तो होगा, कोलकाता बिरयानी बनाने का कोई मतलब नहीं। तो केवड़ा वाटर के बाद है, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अत्तर। ये देख रहे मीठा अत्तर है, आपको ऐड कर लेना है मीठा अत्तर। और नेक्स्ट क्या करना है, आपको इस मिक्सर को अच्छा से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो झोल है इसे टेस्ट कर लेना है, क्योंकि आपका टेस्ट करना जरूरी होता है। इसमें आपको सॉल्ट स्पाइसी और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेवर आ रहा है कि ना, आपको ये तीनों चीज़ बराबर देखने का, नहीं तो आप बिरयानी दम लगा देंगे बाद में पता चलेगा नमक कम है तो नहीं होगा। तो आपको इस झोल को बराबर टेस्ट कर लेना है इसमें नमक बराबर है कि ना। तो दोस्तों देख रहे मैंने राइस बॉईल करने के लिए यहाँ पर हांडी में पानी को बैठा लिया है। आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है हॉल खड़ा मसाला। तो दोस्तों देख रहे मैंने यहाँ पर हॉल मसाला को पोटली बना लिया है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे इस पानी में ऐड कर लेना है। दोस्तों नेक्स्ट पानी में आपको ऐड करना है नमक। आपको 2 मुट्ठी जैसा नमक इस पानी में अच्छा सा ऐड कर लेना है। तो नमक का बाद हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। तो बिरयानी राइस डालने से पहले 1 मोर थिंग, आपको इस पानी भी टेस्ट कर लेना है, पानी में भी नमक बराबर है कि ना। अगर पानी में आपका नमक ज्यादा हो जाए तो बिरयानी नमकीन बन जाएगा, तो पानी में भी नमक टेस्ट कर लेना है। पानी उबल रहा है, अब हम लगन पे मटन का सेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देख रहे लगन में ऐड कर लेंगे मटन। आपको
लगन में मटन ऐड करके इसे अच्छा सा सेट कर लेना है, ठीक है। और मटन का साथ में आपको ऐड कर लेना है आलू। ये देख रहे हैं मैंने आलू रखा था, आपको धीरे धीरे साथ में आलू ऐड कर लेना है। तो दोस्तों आलू ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यह है बिरयानी मसाला, थोड़ा ऐड कर लेंगे इसका ऊपर हल्का सा। तो बिरयानी मसाला के बाद आपको ऐड करना है, ये देख रहे हैं बिरयानी झोल, ये जो मैंने झोल को अच्छा सा टेस्ट करके रखा था, आप क्या करना है आपको इसे अच्छा से ऐड कर लेना है। तो दोस्तों झोल के बाद आपको ऐड कर लेना है थोड़ा सा खोआ, देख रहे हैं मैंने खोआ ऐड कर लिया है। और खोआ का साथ में ऐड कर लेंगे थोड़ा सा डेट्स, खजूर है दोस्तों, बहुत सारा जगह में डेट्स ऐड नहीं करता है बिरयानी में, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली आइटम होता है और बिरयानी ज़्यादा मीठा हो जाएगा, यही सोच के बिरयानी में डेट्स ऐड नहीं करता है। लेकिन हम ऐड करेंगे क्योंकि दोस्तों मैं कोलकाता का हूँ, मैं कोलकाता का गाँव साइड का हूँ, मेरे को पता है हमारा घर में बिरयानी कैसा बनता है। तो मैंने भी देखा मम्मी को डेट्स ऐड करते हुए, तो इसलिए आज हम बना रहे हैं कोलकाता बिरयानी। तो इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा डेट्स, आपको थोड़ा खजूर ऐड कर लेना है दोस्तों। डेट्स के बाद आपको क्या ऐड कर लेना है, थोड़ा सा बैरिस्ता, ये देख रहे हैं आपको ऐड कर लेना है ब्राउन अनियन थोड़ा सा दोस्तों, देख रहे हैं इसमें मैंने सारे थिंग्स ऐड कर लिया है। अगर आपको बिरयानी लेयर बाय लेयर बनाना है तो क्या करना है, थोड़ा सा आलू, थोड़ा सा मटन, थोड़ा सा झोल अलग से निकाल लीजिए। ये मसाला के बाद आपको वन लेयर राइस डालना है और उसके बाद फिर वन लेयर मीट डालना है, अगर आपको लेयर बाय लेयर बनाना है। लेकिन आप हम एक ही लेयर में बनाएंगे, नीचे सारे थिंग्स डाल दिया है और ऊपर इसे राइस डाल के अच्छा से दम लगाएंगे। तो पानी रेडी, अब हम डालते हैं राइस। अब हम धीरे धीरे इसे राइस ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं मैंने यहाँ पर राइस को कैसा बॉयल कर लिया है, आपको सेम ऐसे ही 70-80% राइस बॉयल कर लेना है। और अब हम धीरे धीरे इसे अच्छा से मटन का ऊपर, देख रहे हैं कैसा मैं सेट कर रहा हूँ, आपको सेम ऐसा ही धीरे धीरे अच्छा सा सेट कर लेना है। तो आपको क्या करना है, ऐसा ही थोड़ा थोड़ा करके राइस को निकालना है और इसे अच्छा से सेट कर लेना है। दोस्तों ध्यान रहे नीचे निचले का हिस्सा पे राइस हम लोग थोड़ा टाइट करके डालेंगे और ऊपर उससे थोड़ा ज़्यादा बॉईल करके डालेंगे। तो राइस ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट ऐड कर लेना है थोड़ा सा फ्रूट कलर, यहाँ पर देख रहे मैंने ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा फ्रूट कलर। और साथ में राइस का ऊपर ऐड कर लेंगे थोड़ा सा केसर वाटर, आपको सैफ्रन मिल्क ऐड कर लेना है, देख रहे हैं मैंने कैसे ऐड कर रहा हूँ, आपको सेम ऐसा ही लेयर बाय लेयर आपको सेट कर लेना है। ये ऐड कर लिया, फिर नेक्स्ट क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं राइस और थोड़ा बॉयल होने आ चुका है, यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट। अब हम इस राइस को नेक्स्ट क्या करेंगे, इस बिरयानी का ऊपर अच्छा से सेट कर लेंगे, देख रहे मैंने कैसा सेट कर रहा हूँ, आपको ऐसा सेट कर लेना है। तो देख रहे राइस सेट कर लिया है, फिर आपको क्या करना है, ऊपर से थोड़ा ऐड कर लेना है केसर मिल्क, थोड़ा सा फ्रूट कलर और ऐड कर लेना है नेक्स्ट थोड़ा सा खोआ, आपको खोआ थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, ज्यादा मत ऐड कीजिए, लास्ट में बिरयानी आपका मिठाई हो जाएगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा दो दो बूंद लेयर लेयर के हिसाब से ऐड करना है। और खोआ के बाद ऐड कर लेंगे थोड़ा सा बैरिस्ता, यह है ब्राउन अनियन, और ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा बिरयानी मसाला पाउडर। और नेक्स्ट ऐड कर लेना है आपको घी, कोलकाता बिरयानी में घी आपको दबा के डालना है, देख रहे ना मैंने कैसा डाल रहा हूँ, इतना सा राइस में मैंने मिनिमम 500 ग्राम घी यूज कर दिया है। तो आपको घी दबा के डालना है। और आपको क्या करना है, स्टीम जाते बाहर ना निकले, उसके लिए आपको लेना है एल्युमिनियम फॉयल, और एल्युमिनियम फॉयल से इसे अच्छा से कवर कर लेना है, आपका स्टीम जाते बाहर ना निकले। उसके लिए थोड़ा पानी छींटा मार देंगे और अच्छा से
फॉइल से हम इसे कवर कर लेंगे। तो देख रहे मैंने बिरयानी सेट कर लिया है, अब हम इसे तवा के ऊपर बैठा के दम लगा देंगे। अगर आपका पास सिकड़ी हो आप लोग सिकड़ी में दम लगा सकते हैं, नहीं तो नीचे आग लगा के ऊपर हंडी डाल के आग डाल के भी दम लगा सकते हैं। हमारा पास तंदूर है लेकिन हम तवा में दम लगाएंगे, ठीक है। चाहे तो तंदूर में भी दम लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि वुडन फायर में जो बिरयानी का जो स्मोक की दम फ्लेवर होता है बहुत ही मस्त का होता है। तो तवा में दम लगा देते हैं मिनिमम 20 से 25 मिनट तक स्लो फ्लेम पे। हैं दोस्तों देख रहे 20 से 25 मिनट बीत चुका है, बिरयानी रेडी। अब हम इसको तवा से उतार लेंगे और उतारने के बाद आपको इस बिरयानी को तुरंत ओपन नहीं करना है, इसे और 10 से 15 मिनट ऐसा रहने दीजिए। देख रहे ऐसा है हमारा बिरयानी, फ्लेवर आ रहा है, लो मैं फोटो पे दे रहा हूँ, फ्लेवर आ रहा है और कलर देख रहे आपको। तो आपको सेम ऐसा ही तोड़ लेना है बिरयानी। वाह आलू